विचार कीजिए तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कितने सहयोगी हुए हैं, क्या उनको भुलाना ठीक है? नहीं। ऋषि तो प्रार्थना करता है मेरे ये मित्र सदैव खड़े रहे, मैं उनका आदर करता रहूं, मैं उन्हें कभी भूलूं नहीं। वर्ण है इस ऋचा में, वर्ण है उसमें माता पिता पत्नी भ्रात बांधव जो भी आपके लिए सहयोगी जिन्होंने तुम्हें बनाया है वो सब मित्र है। जो तीनों कालों में साथ देता है उसको मित्र कहते हैं। तुम खुद अपने आप को छोड़ सकते हो लेकिन वो आपको नहीं छोड़ता, उसे मित्र कहते हैं। मित्र की परिभाषा में जो हमारे दुख को समझता है, जो अपने दुख को तो मिट्टी के डेल की तरह समझता है, मिट्टी की रज की तरह, और मित्र के दुख को वो सुमेरु पहाड़ की तरह समझता है। राम जी कहते हैं सुग्रीव को वो मित्र, और राम जी ने तो यहां तक कह दिया जो मित्र के दुख को नहीं समझता। जिन मित्र दुख होए दुखारे, जिन मित्र होए दुखारे, नहीं बिलो पात के भारी। जिन मित्र दुख होए दुखारे, नहीं बिलोकते पातक भारी। जिन मित्र दुख होए दुखारी, नहीं बिलोकते पातक भारी। इसमें वर्णन है कि मेरे दुश्मन सोते रहे, मित्र खड़े रहे, और फिर आगे कहा है कि मैं कुछ अच्छा करने के लिए जाऊं तो मेरे मित्र मेरा सहयोग करें, और मेरे मित्र अच्छा कुछ करने को जाएं तो मैं अपने मित्रों का सहयोग करूं। तो आपके माता पिता अच्छा करने को जा रहे हैं तो आप सहयोगी क्यों नहीं बन रहे? उनका मन तीर्थ में जाने के लिए है, उनका मन सोमवति नहाने के लिए है, आप विरोध मत कीजिए। वेद कहता है कि उसके सहयोगी बनिए। उत्कर्ष में जब एक दूसरे का साथ मिलता है, जैसे वृक्ष का सांग पाकर के एक लता खड़ी हो जाती है। इस धरती पर जो भी कोई उठा है उसको कहीं न कहीं किसी का संग मिला है, कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं। मैं आज जहां अपनी जगह पर हूं, मुझे संग मिला है, मुझे साथ मिला है। किसका? आप सबका। बिना साथ के, बिना संग के तो हो ही नहीं सकता कभी कुछ भी। किसी का भी उत्कर्ष देखें, उसके जीवन में जरूर कोई न कोई तो रहा है। तो ये वेद की जो ऋचा है इतनी प्यारी लगी है, इसने कहा कि मैं कुछ अच्छा करने को जाऊं तो मेरे मित्र मेरे बगल में खड़े रहें, और मेरे अपने कुछ अच्छा करने को जा रहे हैं उनके लिए मैं समर्पित हो जाऊं, कभी मैं मना ना करूं। मेरा धन हे प्रभु उनके श्रेष्ठ कर्मों में लगे।